मार्केट्स में देख रहे हैं कि हम एक वापस फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स टच करने के लिए जा रहे हैं। पर्टिकुलर सेक्टर्स है जहाँ पे हम मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। फर्स्टली हम जहाँ तक एक महीने पहले बात कर रहे थे एल नीनो की, कि जहाँ पे एल नीनो का खतरा है, उसी स्पेस से मुझे लगता है फर्टिलाइजर यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे। एल नीनो तो होने नहीं वाला है जिस हिसाब से हम बारिश देख रहे हैं, सो आई थिंक फर्टिलाइजर यहाँ से एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर दिखेगा करंट लेवल से। एक स्टॉक है जो अनिल जी आपका भी फेवरेट है और टेक्निकल्स चार्ट पे भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर का आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो जिस हिसाब से हमने बहुत बड़ा एक करेक्शन देखा था स्टॉक में, आई थिंक स्टॉक रेडी हो गया है एक अपसाइड की मूव दिखाने के लिए। एक अच्छा खासा बॉटम बन गया है। टेक्निकल्स पे अगर हम बात करते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन गया है। वीकली चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है जो एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न है, वो भी आज बन चुका है। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा एक रैली यहाँ से हमें करंट लेवल से दिखेगी चंबल फर्टिलाइजर में। करंटली 277 276 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल से भी उसको बाय कर सकते हो। 260 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। जब भी ये लेवल हिट हुआ है स्टॉक ने एक शार्प रिकवरी दिखाई अपसाइड पे। सो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, सिर्फ आपको ₹15 का स्टॉप लॉस है जो डाउनसाइड पे आ रहा है, और ऊपर के जो टारगेट्स निकल रहे हैं वो फर्स्ट टारगेट मुझे मिल रहा है 335 का और सेकेंड टारगेट मिल रहा है 360 का। सो चंबल फर्टिलाइजर मेरा पहला पिक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग